हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो उसमें हमने ये सारा मेन्यू बनाया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है मेन्यू की, तो आप देख सकते हैं। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इसी में आगे का मेन्यू बनाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने ये मेन्यू लिया था और इसकी CSS मैंने यहीं पर डाल दी थी हेड के अंदर। इसके बाद यहाँ पर मेन्यू के लिए मैंने नेव, उसके साथ मैंने क्लास ली थी, यूएल लिया था, यूएल यहाँ पर क्लोज किया था, और ये li, और ये एंकर के अंदर मैंने सब कुछ दे दिया था। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखिएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, कैसे किस किस तरीके से वीडियो मैंने बनाई थी। और इसका जो आउटपुट था वो ये था, ये देखिए। तो अब मैं इसके नीचे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है वो लगाना आपको बताती हूँ विदाउट एनी स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मैंने अबाउट लिया है, तो इसके साथ मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एंकर के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें यूएल, एल यूएल क्लोज कर देती हूँ। इस यूएल के अंदर मैं लिखूंगी li, एक सीक्वेंस में रख लेते हैं li, फिर अंदर इसके एंकर डालूंगी href, और इसे मैं कर दूंगी क्लोज एंकर को, और यहाँ पे ये जो यहाँ पर ये li को भी मैं यहाँ क्लोज कर दूंगी। अब यहाँ एंकर के अंदर मैं लिख देती हूँ कोई भी, जो हम अबाउट के बाद हम लिख सकते हैं, अबाउट टू कर देती हूँ मैं, अबाउट टू। तो ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर जो मैंने ये यूएल लिया है, मुझे इसके लिए भी एक क्लास देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्लास, यहाँ पे लिख देती हूँ ड्रॉप डाउन। इसको मैं सेव कर देती हूँ। अभी चेक करते हैं हमारा किस तरीके से आया है, रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अबाउट टू आ गया है जो ड्रॉप डाउन में था, लेकिन हमें क्या चाहिए कि होवर करने पे हमारा दिखे और ऐसे हमें ना दिखे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, होवर लगाना है मुझे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी CSS में थोड़ा सा काम करेंगे। यहाँ पर पहले तो जो मैंने ये UL लिखा है, ये नॉर्मली मुझे डिस्प्ले नन आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये दिखाना नहीं चाहती, ये दिखना नहीं चाहिए ऐसे। जब माउस लेके जाऊँ मैं तभी दिखे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कर दूंगी UL डॉट ड्रॉप डाउन, इसको मैं कर दूंगी डिस्प्ले नन, सेव कर देंगे, चेक करते हैं। देखिए अभी हो गया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा यहाँ पे मेन्यू भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो नन कर दिया है मैंने। अब मुझे वो दिखाना है होवर पे, अबाउट पे जब मैं माउस लेके जाऊं तो होवर पे नीचे दिखे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और हम CSS लगाएंगे। सबसे पहले मैं लूंगी ये वाली क्लास ले लेती हूँ डॉट मेन्यू, मेन्यू के साथ लेती हूँ यूएल, यूएल के साथ यहाँ पर लेती हूँ li, और li को मैं दे दूंगी होवर, होवर, और उसके साथ मैं यहां पर लिखूंगी ul ड्रॉप डाउन, स्पेस देके ul डॉट ड्रॉप डाउन, और यहां पर मैं लिखूंगी डिस्प्ले ब्लॉक, सेव कर लेते हैं इसको, चेक कर लेते हैं। ये देखिए आ गया है। तो इसकी प्लेसमेंट को ठीक करने के लिए मैं यहां पर CSS में दूंगी पोजीशन एब्सोल्यूट,
सेव कर देती हूँ। ये देखिए आ गया इसके नीचे। अब मैं यहाँ पर दे देती हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं तो पता चल जाएगा किस तरीके से आ रहा है। बैकग्राउंड ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसके कर देती हूँ, इसको पैडिंग देके सेट कर देती हूँ। पैडिंग पैडिंग टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 10 पिक्सल कर देती हूँ। सेव। ये देखिए इजीली, कितना इजीली हमारा ये हो गया। सेम ऐसे ही दूसरे पे भी हम लगा सकते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ ड्रॉप डाउन के लिए, और ये मैंने लगा दिया ब्लॉक के नीचे। लगा देते हैं यहाँ पे, लिख देती हूँ ब्लॉक टू। ब्लॉक टू ये देखिए, कितनी इजी तरीके से आ गया। हमने इसके लिए कोई जावास्क्रिप्ट यूज नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और इजीली हमने होवर से ही इसको ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।